दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा YouTube से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो हर नए यूट्यूबर के मन में आती हैं कि YouTube ने जो मोनेटाइजेशन की शर्त रखी है, क्या मैं उसे पूरा कर पाऊंगा? क्या एक साल के अंदर मेरे बन के सब्सक्राइबर हो पाएंगे? क्या मेरी वीडियो का वॉच टाइम 4000 हर हो पाएगा? ऐसे ही कुछ सवालों का सॉल्यूशन मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी लोग हैं जो YouTube पर आते हैं कुछ करने के लिए और अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं सिर्फ ये देखकर कि यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है। यहाँ पहले से ही बहुत ज़्यादा यूट्यूबर हैं और हर टॉपिक के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनी हुई हैं, तो मेरी वीडियो कौन देखेगा? मैं ऐसी कैसी वीडियो बना पाऊँगा जिससे मेरा वॉच टाइम पूरा हो पाए और मेरे बन के सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हो पाएँ? तो वो उनके मन में यही सवाल उठते रहते हैं और वो अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर YouTube पर काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर हैं तो आप ये भी देखो कि जो देखने वाले लोग हैं, जो ऑडियंस हैं, उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि जब से जियो स्टार्ट हुआ है तब से हर इंसान के पास स्मार्टफोन है और 4G नेटवर्क है, और कोई भी यूट्यूबर हो वो शुरू से ही इतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हो पाता है। वो स्टार्टिंग में बिल्कुल नए यूट्यूबर, जब कोई नया यूट्यूबर होता है तो वो शुरू में कमज़ोर ही होता है। धीमे 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 बढ़ के वो आगे बढ़ता है। स्टार्टिंग से कोई ऊपर नहीं चला जाता, सब शुरू में एकदम छोटे ही होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आप जिस टॉपिक पर भी वीडियो बनाओ तो आप उस वीडियो को ज़्यादा लंबा मत खींचो, उसे उतना ही बनाओ जितना वो बनने के लायक है। ऐसा नहीं कि आप वीडियो घुमाते चले जा रहे हो तो जो देखने वाला है वो आपकी वीडियो से बोर हो जाए, वो स्किप कर दे। आपको ऐसा नहीं करना है। आप जिस टॉपिक पर भी वीडियो बना रहे हो तो आप उसमें मेन बातें बताओ जो देखने वाले के लायक हैं। आप फालतू की बातें, इधर उधर की बातें करोगे, उसमें टाइम ज़्यादा लगाओगे, मेन टॉपिक पर आओगे ही नहीं, तो देखने व्यूअर जो होगा वो आपकी वीडियो देखेगा ही नहीं, स्किप कर देगा। और सबसे बड़ी बात, आप वीडियो कुछ ऐसी बनाओ कि जो आप अपने मन से सोचो कि जब कुछ भी वीडियो ना हो, कैसी भी YouTube पर हर तरह की वीडियो बनती हैं, तो आप अपने मन में आपको ये सवाल लेके आना है कि मुझे ऐसी कैसी वीडियो बनानी है कि जो YouTube पर ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, बहुत कम से कम हो, और आप कैसी वीडियो बना दो। बस उसे कॉन्टेंट अच्छे होने चाहिए, उसमें जो कॉन्टेंट होते हैं वो सही होने चाहिए, और उस वीडियो के अंदर सिर्फ आप जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हो उस टॉपिक से जुड़ी बातें होनी चाहिए। फालतू की बातें ना होंगी तो देखने वाला पूरी वीडियो जरूर देखेगा और उसे अपनी वीडियो में इतना ज़्यादा आकर्षित कर दो कि वो आपकी वीडियो को स्किप भी ना कर सके। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्फिडेंस, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाओ। जब आप किसी काम को अपने मन से करते हो, दिल से करते हो, तो वो एक ना एक दिन सक्सेस हो ही जाता है। तो बस अपना कॉन्फिडेंस मत खो और जैसी भी वीडियो बनानी है उसको बना के शेयर करते रहो, वीडियो को YouTube पर डालते रहो। क्योंकि आप खुद देखो कि पैसा तो लग नहीं रहा है कि आप ज़्यादा वीडियो डालोगे तो आपको पैसा लगेगा। आप वैसे भी तो फालतू हो ना, जब वीडियो बना रहे हो तो सोच लो कि मैं कोई वैसा ही अपना कोई फालतू काम कर रहा हूँ। जब आप ऐसी वीडियो दिल से बना के डालोगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से डालोगे ना, तो वो एक ना एक सक्सेस हो ही जाएगा। और जो मैं टिप्स आपको बता रहा हूँ उनको आप फॉलो करोगे तो मेरा विश्वास है आप कभी पीछे नहीं रह पाओगे। आप किसी भी यूट्यूबर को देख लो जिनके आज 10-10 लाख सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी जब स्टार्ट किया था तो उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था, लेकिन क्या था? कॉन्फिडेंस। क्योंकि उन्हें सिर्फ ये पता था कि यही मेरा काम है और मुझे इस काम को पूरे मन से और दिल से करना है, तभी तो आज वो इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। तो बस हमें भी वही करना है। जैसा कि आप जानते हो, आप देख रहे हो कि मैंने भी अपना नया चैनल शुरू किया है, मैं भी अभी नया ही हूँ, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस पूरा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो पूरे कॉन्फिडेंस से कर रहा हूँ, क्योंकि एक ना एक दिन तो ये सक्सेस हो ही जाएगा। कोई भी काम हो, किसी भी काम को देख लो, वो जब स्टार्ट होता है तो शून्य से होता है, यानी कि जीरो से होता है, और धीमे धीमे जब आप उसे दिल से करोगे तो वो एक दिन अच्छे लेवल पर पहुँच जाता है। तो बस यही अपने मन में बैठा लो और अपने आप को बिल्कुल टेंशन मत दो कि मेरा वॉच टाइम पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा,
बन के सब्सक्राइबर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। अरे कैसे नहीं होंगे, जब आप दिल से करोगे, पूरे मन से करोगे, तो एक ना एक दिन जरूर होंगे। और एक साल तो बहुत ज़्यादा होती है, अगर आपका एक एक वीडियो वायरल हो गया ना एक, तो ये समझ लो अगर आपका एक वीडियो वायरल हो गया तो एक महीना जब होगा कि आपके बन के सब्सक्राइबर हो गया, आपके डबल हो जाएंगे। बहुत टाइम तो एक दिन पूरा हो जाएगा। तो बस इतना ही बताना था आपको वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। मैं फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।